हाय गाइस, आज मैं बताऊंगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है और इसमें क्या क्या मिलती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है पीकेनाथ और आप देख रही है जो यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हर तरह का टेक वीडियो लेकर आती हूँ। दोस्तों, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसमें डिफरेंस है कि डेबिट कार्ड जो है ये सिर्फ आपके अकाउंट से जो पैसा है वही पैसा आप ले सकती है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको पैसा लेने के लिए जो आपकी अकाउंट में लिमिट जो होता है बैंक देती है आपको, जो पैसा आपके अकाउंट में है तो निकल पाती है। साथ में अगर आपकी लिमिट है 50,000 या 1 लाख या 2 लाख तो ये वो पैसा भी आप निकाल सकती है। तो क्रेडिट कार्ड कैसे पाइए इसके बारे में हम बता देंगे आज। क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको अच्छी जॉब हो तो आपको जल्दी मिल जाएगा, या आपके आप अच्छी बिजनेस में हो, आपके अच्छे ट्रांजेक्शन है तो आपको जल्दी मिल जाए। लेकिन हम लोग जैसे लोगों की, जैसे कि जो लोग अच्छे ट्रांजेक्शन नहीं करती है और अच्छे पैसा भी नहीं है तो उनको कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा? उनको मिलने के लिए आपको बैंक चुनना पड़ेगा इस तरह का जो आज कम रेट में भी आपको क्रेडिट कार्ड दे सकती है। तो कौन सी बैंक में जो क्रेडिट कार्ड जो जल्दी देती है, जैसे कि HDFC बैंक होता है या ICICI बैंक, या कि प्राइवेट को जो कोई भी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, तो वो कंपनियाँ ज़्यादातर जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड देती है। तो ये क्रेडिट कार्ड आप ले सकती है उस बैंक के अकाउंट खोलकर। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत जल्द मिल जाती है। तो अगर आप SBI या कोई भी गवर्नमेंट बैंक से करेंगे तो उतना जल्दी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड इस तरह का ले सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड लेने का फ़ायदा ये है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा निकल सकती है और शॉपिंग या कुछ भी कर सकती है। और डेबिट कार्ड से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, पैसा जितना है उतना ही आप ले पाती है। तो दोस्तों, कुछ भी जानकारी के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।